मित्रों आज हम बताने वाले हैं, जैसे कि सात वार होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यदि कोई भी बच्चा इन सातों वारों में से किसी भी वार में जन्म लेता है तो उन बच्चों का जन्मदिन फल विचार कैसा होता है। जो भी बच्चा रविवार के दिन जन्म लेता है वो बहुत ज़्यादा शरीर से लंबा चौड़ा होता है, सूरवीर होता है, मेहनती होता है, दान पुण्य करने वाला होता है और अपने जीवन में हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। सोमवार को जन्म लेने वाला बच्चा बहुत ज़्यादा ज्ञानी और गुण ग्राहक होता है। मंगलवार को जन्म लेने वाला बच्चा सबसे पहले तो जीवन में अपनी बढ़ाई चाहता है, उसे अपनी बढ़ाई अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा वो बढ़ाई भी करता है अपने बारे में। बहुत ज़्यादा देखने में सुंदर बलिष्ठ होता है, राजाओं जैसा उसका व्यवहार होता है और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। बुधवार को जन्म लेने वाले बच्चे का सुंदर रूप होता है, आकर्षित रूप होता है, उसका स्वरूप बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, ज्ञानी होता है, मीठी वाणी बोलने वाला होता है, कोमल के समान देखने वाला होता है, कलाओं से कुशल होता है, कलाओं में निपुण होता है। गुरुवार को जन्म लेने वाला बच्चा यानी बृहस्पतिवार को जन्म लेने वाला बच्चा बहुत ज़्यादा गुणी, ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान होता है, धनवान होता है, राजाओं की तरह पूज्य होता है, दूसरे व्यक्तियों के लिए बहुत प्रिय होता है और मधुर और मीठी सत्यवाणी बोलने वाला होता है। शुक्रवार को जन्म लेने वाला बच्चा बहुत ही परवीन बुद्धि का होता है, उज्जवल कपड़े पहनने वाला होता है। शनिवार को जन्म लेने वाला बच्चा बहुत ज़्यादा साहसी होता है, क्रोधी होता है, जिद्दी होता है, देखने में दुबला पतला होता है, बहुत ज़्यादा बहादुर और क्रूर स्वभाव का देखने को मिलता है। यदि आपके घर में कोई भी बच्चा सातों वारों में से किसी भी दिन किसी भी वार में जन्म लेता है तो आप हमारे इस वीडियो से उसके जन्मदिन फल विचार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और आपसे भी करते हैं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई यूट्यूब वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।